और भाई क्या हाल है? ठीक है आप लोग? यार आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे, एक सीरियस इशू है पाकिस्तान का, विच इज मीडिया क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। और ये मीडिया क्राइसिस के ऊपर बात करने से यूजली लोग घबराते हैं, पता नहीं क्यों, बट मैंने एक वीडियो बनानी थी जो कि अब मैंने फाइनली बना दी है। तो यार जिन लोगों को लग रहा है, जिस तरह मीडिया हाउसेस भी कुछ बोलते हैं कि सारे मीडिया क्राइसिस की असल वजह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने पिछली पॉलिटिकल कैंपेन्स के पैसे नहीं दिए और अपने एड्स भी नहीं चला रहे, तो यार आई पर्सनली फील माई सेल्फ लकी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी हुकूमत आई है कि जो कि हमारी आवाम के पैसों से अपनी तशहीर नहीं कर रही। कि ये वही 6-7 अरब रुपए के इश्तहार हैं जिसमें हम इन दो भाइयों को एक शेर के साथ तस्वीर लगी हुई देखते थे इनकी, और ये हमें भी शायद नहीं पता था कि हमारे पैसों से। एक और मज़े की बात यह है कि जो चैनल 10-15 हज़ार रुपये एक मिनट बड़ी मुश्किल से मिनते तरले करके लेता है, तो वो इसी गवर्नमेंट कैंपेन के लाखों रुपये लेते थे और अपनी मर्जी के पैसे लेते थे, तो विच इज़ नॉट फेयर। ये बिल्कुल रीज़न नहीं है। असल रीज़न मीडिया क्राइसिस का ये ज़रूर है कि आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है और वही घिसी पिटी एक चीज़ चल रही है जिसकी वजह से रेटिंग नहीं आ रही, तो आपको बिजनेस नहीं मिलता। यार मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हर चैनल इतना रेवेन्यू ज़रूर कमाता है कि वो अपनी जो कोर टीम है उनको सैलरीज दे दे, जिसके अंदर आपके एडिटर्स, DOPs, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसमिशन, क्रिएटिव, डिजिटल और एक्सेट्रा, जितनी आपकी कोर टीम होती है उनकी सैलरीज आप आराम से निकाल सकते हैं। देखें अगर बिजनेस नहीं आ रहा तो ये जो मालकान है मीडिया हाउसेस के और ये जो बड़े एंकर्स हैं, ठीक है, इनके खुद के प्रोटोकॉल्स और लग्जरीज के लिए तो इनके पास बहुत पैसे हैं, इनकी स्पोर्ट्स कार्स के अंदर फ्यूल भी डल जाते हैं। जो छोटे से पैसे हम लोगों के रोक के 8-8 महीने के उनको लखपति बना देते हैं ख्वाबों में, तो लेट्स नॉट डू दैट। ये उनके किचन चलने चाहिए, क्योंकि वो बंदा या बंदी आपके दफ्तर में काम पूरा महीना इसलिए कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ उसको पैसे मिले और उसका घर चले, उसका किचन चले। उन लोगों के 8-8, 6-6 महीने के सैलरी बैकलॉग्स, ये एक बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिस है जो कि ख़त्म होनी चाहिए। और इसके ऊपर मैंने आज तक अपने किसी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सनल को आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा। जितने भी मीडिया पर्सनल्स और मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं, यार प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, बट बात यह है कि आप लोग माशाल्लाह इतने पावरफुल हो कि आप पूरी दुनिया के काम आ रहे होते हो, कभी इसका काम करा रहे हो, कभी किसका काम करा रहे हो। ओवर द कप ऑफ द टी यू कैन रिजॉल्व एनी थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी जर्नलिस्ट को आज तक इस टॉपिक पे बात करते हुए नहीं देखा, बट यस मैंने विटनेस ज़रूर किया है उनको और उनकी फैमिलीज को सफ़र करते हुए। ये तो थे मीडिया चैनल्स के हालात, लेकिन अगर मैं आपको प्राइवेट प्रोडक्शंस का सच बताऊँ तो यार उधर भी कोई 2-2 रेनबोज वाली ग्रीन फील्ड्स नहीं निकली हुई। आप ज़रा अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कई कई सालों से पैसे फंसे हुए। मसला सिर्फ ये है कि हम कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, ना ही अपने दूसरे भाइयों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और लोगों सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है कि बस मेरा मसला हल हो जाए बाकी सारे भाड़ में जाएं। द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ दिस, सो इट्स अबाउट टाइम वी गेट टुगेदर एंड हाईलाइट दिस इशू। और पाकिस्तान में जो मीडिया इंडस्ट्री का फ्यूचर तबाह होने जा रहा है अनकरीब, क्यों? क्योंकि एक स्किल्ड एडिटर और कैमरामैन जब आपको नाश्ता बेचते हुए और रिक्शा चलाते हुए नजर आएगा तो डेफिनेटली फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्री भी इफेक्ट होगी। मेरे नज़दीक यही कोर टीम होती है जिसकी वजह से एक मीडिया हाउस या कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। दे आर द कॉन्टेंट क्रिएटर्स। सो डू लीव योर फीडबैक एंड लेट मी नो कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है और आगे हमें किन इश्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए। सो लेट्स गेट टुगेदर और मिल के पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री को इस क्राइसिस से निकालते हैं और इसका फ्यूचर सिक्योर करते हैं, और जो हमारे जितने भी इफेक्टिज हैं मीडिया क्राइसिस के उनको हेल्प आउट करने की मैक्सिमम कोशिश करते हैं। तो बस नीयत कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक भी दे देगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।